जुलूस था नरेंद्र मोदी को जलाने के लिए, अमित शाह को जलाने के लिए, मेरा चेतावनी है, चेतावनी, वो अगर इससे नहीं संभलता है तो मैं पूरा दिल्ली को घेर दूंगा। की बारी आई थी तो हमारे बाप दादा जहां काटे जा रहे थे वही तुम्हारे बाप दादा बैठ के अंग्रेजों के साथ मुर्गा चबा रहे थे, हम वो भी तारीख। यहाँ के विधायक मुर्दा है, इस बिहार की सरकार मुर्दा है। मैं ये बात नहीं जानता हूँ, व्यक्तिगत में मैं नौशाद जी का क्लोज आदमी हूँ, मैं उसका। अब ये मसाल जुलूस निकाले क्यों और किस लिए? मसाल जुलूस क्या है? ये आग है लोगों का दिल का, ये आग है लोगों का जज्बात का। ये मसाल जुलूस है नरेंद्र मोदी को जलाने के लिए, अमित शाह को जलाने के लिए, और ये जो तानाशाही है इसको जलाने के लिए। इससे कुछ फर्क पड़ेगा अमित शाह या मोदी जी को? क्या बात करते हो यार, इससे बड़ा बड़ा हिटलर चला गया तो ये दोनों कौन सा पार, कौन सा ये तेरी पार जाएगा? क्या संदेश देना चाहेंगे इस मसाज के जरिए? इस मसाज संदेश मैं पहले भी बोला हूँ कि ये मेरा संदेश नहीं है, ये मेरा चेतावनी है, चेतावनी, वो अगर इससे नहीं संभलता है तो मैं पूरा दिल्ली को घेर दूंगा, पूरा दिल्ली जनता मंत्र। आप जो स्टेज में बोले कि पूरा किशनगंज में ऐवर बाबा जैसा नेता है, क्या साबित करना चाहते हैं अपने आपको? हम ये नहीं बोले किशनगंज में, मैं ये बोला पूरे किशनगंज के अवाम को कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर दिल्ली में अमित शाह नरेंद्र मोदी है तो पूरे किशनगंज पूरे बिहार में ऐवर बाबा है। अब अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है? मुझे अपने खुदा पर, अपने नौजवानों पर, मेरे पब्लिक पर, मेरे चाहने वालों पर, सब पर भरोसा है, यकीन है, उम्मीद है। अगर मान के चलिए कि एनआरसी या सीएबी को वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे? उसको बाप को लेना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ में आज एक एहतजाजी प्रोग्राम थकुरगंज में किया गया, आप लोग शायद उसी इसमें आए हैं या फिर क्या जुलूस में आए हैं? जी उसी तो के खिलाफ, जी उस बिल के खिलाफ, उस बिल के विरोध में हम लोग यहां जमा हुए हैं। हाँ, तो क्या मकसद है आपका, क्या संदेश सरकार तक पहुँचाएंगे इस एहतजाजी प्रोग्राम के द्वारा? और संदेश ये है सरकार को कि जिस हिंदुस्तान को मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबों ने अपनी कुर्बानी देकर इस हिंदुस्तान को सींचा है, इस बाग को बिल्कुल हरा भरा किया है, हम ऐसे गलत लोगों से हम इस हिंदुस्तान को तोड़ने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई बिल हम यहाँ मंजूर नहीं कर सकते। और आपके माध्यम से मैं हुकूमत वक्त से, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, मैं ये मांग करता हूँ कि जिस मोहब्बत से, देखिए तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हैं, लेकिन असल हिंदुस्तानी हम इसलिए हैं कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी की बारी आई थी तो हमारे बाप दादा जहां काटे जा रहे थे वही तुम्हारे बाप दादा बैठ के अंग्रेजों के साथ मुर्गा चबा रहे थे, हम वो भी तारीख जानते हैं। जहां भगत सिंह फांसी के फंदे को गले लगा रहा था वही आरएसएस के लोग जो है वो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेज़ों का पैर दबा रहे थे, हम हिंदुस्तान की उस तारीख को भी जानते हैं। तो हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत आई, आपको लोगों ने वोट दिया, आपकी हुकूमत आई, गलती हर एक से होती है, ये बहुत बड़ी गलती तुमसे हो गई है। जितने बिल तुम इस वक्त लाए हो, चाहे तीन तलाक का बिल हो या बाबरी मस्जिद का फैसला जो गलत तरीके से तुमने दिलाया है, और ये एनआरसी और सीएबी बिल, ये सब बिल वापस लो, वरना हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतर आएंगे और इंशाल्लाह ये जंग हमारी आखिरी वक्त तक चलती रहेगी, ये लड़ाई हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। हम सिर्फ ऐसे ही नहीं, सरों पर कफन बांध के निकले हैं कि हिंदुस्तान को हम तोड़ने नहीं देंगे। सीधा सा बहुत सारे साहब है, क्या बोलते हैं?
गृह मंत्री अमित शाह जी जो इस बिल को पास किए हैं तो सिर्फ एक ही समुदाय के लोग को दिक्कत है कि सभी को दिक्कत है इस बिल की वजह से? देखिए यहाँ पर ये बिल को लेकर के सिर्फ मुसलमानों की नहीं, यहाँ पर जितने भी हिंदुस्तान के अंदर 60% पिछड़े लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा आदिवासी हरिजन जितने भी लोग हैं 60% लोगों को ये परेशानी होगी। कहिए कैसे? अब मैं इस बात को क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैं हिंदुस्तान के 60% वो आबादी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि वो भी इस बिल का विरोध करें, सड़कों पर आए, क्योंकि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए थे तो इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, क्योंकि आरएसएस और सांप्रदायिक ताकतें यहाँ के कमजोर लोगों पर राज नहीं कर पा रही है, उन्हें गुलाम नहीं बना पा रहा है। सिर्फ यही कारण है इसका कि हम मुसलमान ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के कमजोर पिछड़ा लोगों को कोई गुलाम बना करके रखे, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस और सांप्रदायिक ताकतों की कि मुसलमानों को इस देश से कमजोर करके। मैं मशाल जुलूस पर शामिल इसलिए हूँ कि जुलूस संविधानिक रूप से चले, कोई लड़का कोई भी लोग इधर उधर भगदड़ ना करे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? मैं सरकार को ये देश संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश जमहूरियत है, हमारा देश के सभी आम नागरिकों को संविधान में ये हक है कि आप किसी भी जो चीज़ लोगों को मतलब जो है जिससे भेदभाव हो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में कोई NRC लागू नहीं होगा, मेरे जीते जी वो दल बदलू है। पहले नीतीश जी ने हम लोगों से वोट लिया है और वोट लेने के बाद वो अपनी पार्टी खुद चेंज कर दी, ऐसे लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता। कहीं ना कहीं आप नौशाद जी का सपोर्ट रहा करीबी है, नौशाद जी का इसमें खुल के नहीं आना सामने आना क्या दर्शन? मैं ये बात नहीं जानता हूँ, व्यक्तिगत में मैं नौशाद जी का क्लोज आदमी हूँ, मैं उसका कदर करता हूँ। नौशाद जी नहीं आए कुछ कह पाएंगे क्यों नहीं आ रहे? इनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उनसे कॉन्टेक्ट किए थे इस बारे में? नहीं, मैं इसके बारे में क्यों कांटेक्ट करूं उनसे, उसको खुद चाहना चाहिए कि संविधान का जिस चीज़ में संविधान का उल्लंघन हो हमारे देश में असंविधानिक बिल को पारित करे उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। यहाँ पर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है लोगों के बीच। देखिए हमारे देश संविधान से चलती है, संविधान के खिलाफ जो बिल पास किया है उस बिल के खिलाफ में लोग तो आक्रोश में रहेंगे ही, ये तय है। शुक्रिया, आपका नाम सर? सज्जाद आलम, ठाकुर प्रमुख प्रतिनिधि। Get the fuck out!